सो व्हाट्सअप गाइस, आप लोग का एक ही सवाल रहता है ना आर्टिक्स भाई, आप कौन सा ऐप यूज करके आप अपने फेस को फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ करते हो लैपटॉप जैसा? तो फिर घबराइए मत, आज का वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल होने वाला है एंड बहुत ही इजी स्टेप में आप लोग को बताने वाले हैं जो आप लोग को यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा, कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग एंड बहुत ही कम टाइम में आप लोग बिना अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मेरे जैसा स्मूथ कर पाएंगे। एंड जो भी आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक आता है आज का वीडियो में देख लेंगे, आप लोग पूरा फुल वॉच कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना देर की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई लोग, बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं एंड आप लोग बिना स्मूथ करते होंगे तो कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक आ जाता होगा, जैसे कि ये देखिए मेरा बिफोर है एंड आफ्टर फोटो है। तो देखिए कितना औसम तरीके से हम अपने फोटो को फुल एचडी हाई क्वालिटी किए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। तो आज आप लोग को बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले आप लोग मेरे जैसे फेस को कैसे कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई लोग, सबसे पहले ना आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, आप लोग अपने नॉर्मल फोटो को शेयर कर लीजिएगा एंड गाइस शेयर करेंगे। जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग कुछ करना नहीं है, ठीक है, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा एंड आप लोग मेरे जैसा फुल एचडी हाई क्वालिटी स्मूथ सीख करके जाइएगा आज की वीडियो देख करके, ठीक है। एंड सिंपली आपको टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना होगा एंड थोड़ा सा ना आप लोग अमाउंट को बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो 13 बढ़ा दे रहे हैं एंड यहाँ से कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड आप लोग को पता है कंट्रास्ट बढ़ाने से क्या होता है एंड कम करने से क्या होता है, तो देख लीजिए आप लोग कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे तो आप लोग का फोटो एचडी में होगा, ठीक है। यहाँ माइनस में करेंगे तो देखिए ब्लैक ब्लैक आ जाएगा एंड आप लोग का बैकग्राउंड एंड आप लोग का फेस अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, कंट्रास्ट को बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से 59, इतना हो गया ना। इतना होने पर फिर से आप लोग को सेचुरेशन वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड हल्का सा आप लोग सेचुरेशन को माइनस कर लीजिएगा 21 एंड गाजी इतना करना। सिंपली आप लोग देखिए हाईलाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड हाईलाइट्स को बढ़ाने से आप लोग को पता है क्या होता है, सिंपली आप लोग देखिए बढ़ाएंगे तो आप लोग का जहाँ पे भी ब्लैक होगा ना वहाँ पे अच्छे से व्हाइट हो जाता है, ठीक है। एंड गाजी इतना हम लोग कर चुके हैं, देखिए 36 हाईलाइट को बढ़ाएं एंड आप लोग को शेडो को ना थोड़ा सा बढ़ाना होगा, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लीजिएगा एंड गाइज 44 कर दिए हैं एंड गाइज इतना करना। सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर एंड गाइज इतना करने के बाद सिंपली आप देखिए रिटच वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा आप लोग। रिटच वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली यहाँ बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है, फेस है, स्मूथ है, ठीक है, तो सिंपली आप लोग क्लिक कर देना होगा फेस फिक्स पे, ठीक है, इस पर नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी मेरी जान। सिंपली आप स्किन टोन पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ से आप लोग ना अपने फेस का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से इस पर हम क्लिक किए हैं कलर को एंड जैसे आप लोग फेस पे अप्लाई करेंगे तो देखिए रेड टोन आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा, व्हाइट फेस, ठीक है। तो सिंपली आप इस वाले सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, ब्रश को अप्लाई कर लीजिएगा, जहाँ पे ब्लैक होगा वहाँ पे आप लोग अच्छे से अप्लाई कीजिए, ठीक है। एंड गाइस जितना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली देखिए आपको दिखाते हैं फिर से एक बार, देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर इतना हो गया ना। इतना होने फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है, TILT, ठीक है, TILT, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड गाइस उस पर क्लिक करना, सिंपली आप इसको देखिए छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। एंड आप लोग को फेस के ऊपर नहीं रखना है, ठीक है, फेस के ऊपर नहीं रखना है, सिंपली आप लोग इसको छोटा करके या बड़ा करके आप लोग ऊपर की तरह खींच करके लेके चले जाइएगा एंड यहाँ से आप लोग अमाउंट को थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है, हल्का सा आप लोग कम कीजिएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 30 कर लेते हैं, ठीक है मेरी जान। इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, ठीक है, डन करना सिंपली थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। इतना करने बाद सिंपली देखिए हम लोग अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बैक कर देंगे एंड बैक करना फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड फिर से आप लोग उसी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सिंपली आप इसको आप लोग ऊपर की तरह आप लोग फेस को छुपा दीजिएगा, ठीक है, एंड ऊपर इरेजर वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग इरेजर पे आ जाइएगा एंड यहाँ से आप लोग ना पहले अच्छे से इरेज कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आप लोग के फेस के ऊपर आया होगा ब्लर इसको आप लोग अच्छे से इरेज कर लीजिएगा एंड गाइस इरेज करने का सिंपल रिस्टोर पे क्लिक कर देना होगा एंड आप लोग फोटो को जूम कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरीके से ना आप लोग अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं सेम उसी तरीके से आप लोग अपने फेस को ब्लर कीजिएगा, ठीक है। देन गाइस जैसे आप लोग अपने फेस को ब्लर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग के फेस के ऊपर स्मूथ होगा, ठीक है, आप लोग का फेस स्मूथ होगा। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है एंड जहाँ पे ब्लैक है जैसे कि आपको दिखाते हैं आप ब्लैक है एंड पिंपल्स है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गोला कर दीजिएगा। देन गाइस जैसे आप लोग गोला करेंगे तो आप लोग का जो भी फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक रहता है एंड थोड़ा सा पिंपल्स रहता है तो अच्छे से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा सा हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं। सो मेरी जान बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने फेस को स्मूथ कर चुके, ठीक है, जैसे कि आपको देखिए जूम करके दिखाते हैं
एंड यहाँ पे देखिए हम लोग के आई के बीच होता है ना जो पार्ट, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से स्मूथ नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इसके लिए मैं नहीं किया हूँ। एंड आप लोग को दिखाएंगे कैसे वहाँ पे आप लोग स्मूथ कर पाएंगे। तो सिंपली इतना करना, सिंपल आप रिटच वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, फिर से आप लोग उस पर क्लिक कर देना होगा। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा हेयर कलर पे। एंड गाइज हेयर कलर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग का ऑटोमेटिक आप लोग का हेयर कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इरेज वाला ऑप्शन पे आ जाएगा, इरेज वाला ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आप लोग अच्छे से इरेज कर लेना होगा, ठीक है, जो भी आप लोग हेयर पे गया होगा कलर। एंड यहाँ से आप लोग मैनुअल पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ से हम लोग लाल, ठीक है, रेड अप्लाई करेंगे, ठीक है, कलर टोन। एंड सिंपली आप लोग अपने होठ पे अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप लोग का होठ बहुत ही मस्त लगे एंड आप लोग के लिप्स पे ओठलाई लग जाए, तो बहुत ही बवाल का फोटो आप लोग का लगेगा, ठीक है, एंड मेरा भी लग रहा है। इतना करो, सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, ठीक है मेरी जान, डन करो सिंपली, फिर से यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड फिर से आप लोग एड फोटो पे आ जाना होगा। एंड गाइस एड फोटो पे आने के बाद सिंपली आप रिसेंट पे क्लिक कर देंगे एंड गैलरी में आ जाएंगे। एंड फिर से आप लोग एल्बम एंड आल फोटो एंड स्क्रॉल करके आप लोग नीचे की तरफ चले आइएगा। एंड हमारे पास PNG, ठीक है, जो बोके PNG है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आप लोग बता देंगे कहाँ से उसको आप लोग को डाउनलोड करना है। तो सिंपली हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, नीचे आने पर सिंपली देखिए हमारे पास PNG है वो कहाँ पे है, ठीक है, पहले तो हम लोग उसको खोजेंगे। तो सिंपली हम नीचे चले जाते हैं, ठीक है मेरी जान, नीचे जाने पर सिंपली देखिए PNG मिल चुका है। एंड सिंपली आप लोग यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने पर सिंपली आप लोग फिर से आ जाना होगा स्क्रॉल करके, यहाँ देखिए ब्लेंड वाले ऑप्शन पे एंड स्किन कर देंगे। एंड आप लोग अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से फिर से डुप्लीकेट लेयर बना सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट लेयर, तो हम एक लेयर बनाते हैं, बस आप लोग को बताते हैं, ठीक है। यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे एंड इरेजर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। एंड अच्छे से पहले आप लोग जो भी बोके इफेक्ट होगा उसको अच्छे से आप लोग इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस इरेज करने पर सिर्फ आप लोग एक रखिएगा एंड एक रखने पर सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, ठीक है, डन करने पर इसको दोबारा कर लीजिएगा। एंड डुप्लीकेट लेयर बना करके आप लोग बहुत सारा आप लोग बैकग्राउंड पे अच्छे से आप लोग एडजस्ट कर पाएंगे। एंड गाइस इतना करो, सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा, डन करो, फिर से आप लोग डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना होगा। तो मेरी जान फोटो सेव करने और सिंपल आपको शेयर कर लेना होगा डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड ब्लेस को थोड़ा सा कम कर देंगे 45 माइनस एंड इस पर इतना करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग कोई टूल्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोजर को बढ़ा देंगे हल्का सा, ठीक है। एंड इतना करना, सिंपल इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर से आप लोग को ग्रीन टोन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसका सिचुएशन कुछ इस तरीके से -63 कर दीजिएगा एंड ह्यू को आप लोग को बढ़ा लेना होगा, ठीक है, 100+। एंड गाइस इतना करना, सिंपल आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका सिचुएशन आप लोग को 33 माइनस कर देना होगा, लिमनस को बढ़ा लेना होगा, तो आप लोग का फेस गोरा हो जाएगा मेरे जैसा, ठीक है। एंड गाइस इतना करना, फिर से आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका ह्यू थोड़ा सा आप लोग माइनस कर लीजिएगा, तो -38 कर दे रहे हैं। एंड लिमनस को बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से 27। एंड गाइस इतना करो, सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है मेरी जान, मेरा एक कॉमेडी चैनल है, ठीक है, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम भोजपुरी में कॉमेडी डालते हैं, तो जल्दी जा लो भाई लोग चैनल के हमारी सब्सक्राइब करो लो, सपोर्ट टू मेरी जान। तो चलिए फिर इतना करो, सिंपल आप लोग इस सोल्यूशन पे आ जाना होगा एंड यहाँ से नो आई डायरेक्शन को आप लोग 100 कर देना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डिटेल्स को आप लोग को 100 कर देना होगा, कंट्रास्ट को 100 कर देना होगा। एंड मैं पहले आप लोग बताया था कि एब्रो, ठीक है, देखिए जो आई होता है इसमें हम लोग का स्मूथ नहीं होता, ठीक है, तो इतना करना, सिंपल आप देखिए कलर वाइड को आप लोग 100 कर देंगे एंड डिटेल्स को 100 कर देंगे एंड स्मूथनेस को आप लोग 100 करेंगे ना, तो आप लोग का जो भी आई वाला बीच वाला पार्ट होता है ना, आप लोग का ऑटोमेटिक अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि देखिए कितना सम तरीके से हम लोग का फेस लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए, फिर से आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो छोड़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग एडिटर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच मेरी जान, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल HD एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।